अपडेट एंड लेटेस्ट टिक्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट टिक्स मिलती रहें। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं किस तरीके से डिसेबल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं न्यू लिंक्स को इस्तेमाल करके 2019 के अंदर। तो सिंपल से ठीक है, अपने लिंक्स को यूज़ करना है और अकाउंट को ओपन करना है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो अकाउंट है जो डिसेबल हुआ है वो जीमेल पर है। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारा अकाउंट ये जो है वो डिसेबल है। अपने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे कभी भी क्लिक नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास रियल प्रूफ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू हेल्प सेंटर, आप यहाँ पे जाके प्रूफ एक दफ़ा अपलोड करें, आपका एक वीक में अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। चलिए चार लिंक्स किस तरीके से आपने इस्तेमाल करने हैं आप बताते हैं। ये जो पहला लिंक है आप में आपसे इसमें पूछा जाएगा, एक तो प्रूफ को ऐड करें और एक आप जो आपका अकाउंट है उसका जी मेल ऐड करेंगे नंबर। चलिए मैंने दोनों ऐड कर दी। अब मैं इनको क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आपका ये एक लिंक जो होगा वो सेंड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लिंक की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपने कौन सी किस तरीके से लिंक को फिलअप करना है। इसके अंदर आपने प्रॉक्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगानी। हाँ, अगर आपका फेक मेल है तो फिर आप अकाउंट पे प्रॉक्सी लगा के इस्तेमाल करें ताकि आपका अकाउंट जो वो ओपन हो सके। यहाँ पर हम मेल ऐड करेंगे और फर्स्ट पे आपने लिखना है डिसेबल ओपन अकाउंट ओपन, और इसके बाद चलिए लिखते हैं डिसेबल अकाउंट ओपन इसके बाद योर फीडबैक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेंगी, वहां से आपने इसको क्या करना है कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैंने वो भी ऐड कर दी। अभी मैं दोबारा क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से थर्ड आप लिंक की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आप लिखना है लॉगिन ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप मेल फिर दोबारा ऐड करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने प्रॉक्सी नहीं लगानी और बार बार इसको अपने इस्तेमाल करना है इन्हीं लिंक्स को। इन्हीं चार लिंक से आप 2019 के अंदर अपने अकाउंट्स में वो फेक इनको ओपन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आईडी ओपन होगी और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊँगा। तो अभी हम फॉर्म को फिलअप दोबारा कर लिया है और ये सेंड पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड जो लिंक है वो क्लियर हो गया। इसके बाद फोर्थ लिंक रहेगा, इसमें अपने नेम वगैरह भी ऐड करना है, ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको कोई भी नहीं आती तो कोई मसला नहीं, जो आपके पास फेक प्रूफ है आप उसको उसके मुताबिक इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रख दें। इंशाल्लाह फिर भी आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने फेक मेल जो है उसके लिए प्रॉक्सी लगानी है, स्पेन की लगा लें या इंडोनेशिया की लगाएं, इसके अलावा और कोई ना लगाएं, या तुर्की की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो आपके लिए प्रॉक्सीज हैं ये वर्क करेंगी। अभी यहाँ पे हम फेक जो हमारे पास अकाउंट है फेक हमारे पास प्रूफ है वो ऐड करेंगे, और इसके अलावा हम जो हमारे पास मेल है वो ऐड करते हैं। ऐड इन्फो में एडिशनल इन्फो जो है हमारे पास ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेंगी, मैं आपको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अपने वहाँ से कॉपी कर लेनी है और वहाँ पर आपने यूज़ कर लेनी है अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए। अभी मैं इसको भी सेंड पे कर ले। तो चलिए दोस्तों, एक वीक ये 10 डेज के बाद अपने अकाउंट को इस तरीके से लॉगिन करना है तो आप देखेंगे हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास इस वीडियो का प्रूफ। तो देख सकते हैं हमने अपना अकाउंट जो है वो क्या किया है, ओपन कर लिया है। और आपको चलिए इसको दिखा देते हैं, ये मेरा ओल्ड अकाउंट था 2018 का। तो देखते हैं ये आगे नेक्स्ट चलता भी है या नहीं। ओके पे आप क्लिक करेंगे। अभी आपको प्रोफाइल दिखा देते हैं और चलिए एक्टिव लॉगिन भी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं 2017 का है। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक्स को कॉपी कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक लेटेस्ट के साथ, प्रूफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।